चाचा हांगकांग के लिए क्रिकेट खेले, परदादी थी जासूस और अब पोती दिलाई मुंबई इंडियंस वुमेन्स को खिताब। दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज खेला जाएगा। मुंबई को फाइनल में पहुंचाने में 20 साल की गेंदबाज का अहम योगदान है। इस गेंदबाज ने एलिमिनेटर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचा। इस गेंदबाज के परिवार का हांगकांग से नाता है। इसके चाचा इस देश की तरफ से क्रिकेट खेले थे और ये खिलाड़ी अब इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेल रही है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने एक दिन पहले WPL के एलिमिनेटर में UP वॉरियर्स के खिलाफ हैट्रिक लेकर इतिहास रचा था। 20 साल की इसी वॉन्ग्स WPL में हैट्रिक लेने वाली पहली गेंदबाज बनी थी। इसी ने UP वॉरियर्स के 13वें ओवर में किरण निवगरे, सिमरन शेख और फिर सोफी एलेक्सटोन का शिकार किया। मुंबई ने यह मुकाबला 72 रन से जीतकर फाइनल का टिकट कटाया था। दोस्तों, दाएं हाथ की तेज गेंदबाज इसी वॉन्ग्स ने 9 महीने पहले ही इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया था। उनके क्रिकेट सफर की शुरुआत वार्विक शायर आने के बाद हुई। वुमेन्स क्रिकेट सुपर लीग और रेचल हेओ फिल्म ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें 2019-20 में इंग्लैंड की अकेडमी के लिए चुना गया। इसके अगले साल ही वॉन्ग की इंग्लैंड एक टीम में एंट्री हो गई। उन्होंने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया था। दोस्तों, इसी बॉन्ग का जन्म इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन उनके पिता हांगकांग मूल के हैं। इसी के दो अंकल हांगकांग के लिए क्रिकेट खेले थे, वहीं परदादी को ब्रिटेन की जासूसी करने की वजह से मेडल भी मिला था। दोस्तों, इसी वॉन्ग ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे मुंबई इंडियंस की बचपन से ही फैन रही हैं। वे मुंबई इंडियंस का मैच देखने के लिए स्कूल से जल्दी भागकर घर आ जाती थी। अब उनकी मेहनत से उनका मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने का सपना भी पूरा हो चुका है। दोस्तों, इसी वॉन्ग ने मुंबई इंडियंस के लिए इस WPL में 9 मैच में 12 विकेट लिए हैं। वह लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। इसी वॉन्ग जिस टीम की बचपन से फैन है, उन्होंने उसे फाइनल में तो पहुंचा दिया, लेकिन अभी काम अधूरा है और वो ये बात कह चुकी हैं। इसका मतलब साफ है कि इसी की नजर अब WPL के खिताब पर है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।